जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने भूपेश बघेल सरकार पर शराब दुकान खोलने को लेकर जमकर हमला बोला और कहा कि शराब दुकानें खुलने के बाद घरेलू हिंसा बढ़ी है, जबकि अभी तक शराब दुकानें बंद थी तो हिंसा कम हो रही थी। बघेल सरकार कमाई के मोह में अंधी हो चुकी है। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, ऐसा कलयुग आएगा, जनता मांगेगी भोजन और भूपेश घर घर दारू भिजवाएगा। ये तंज कसा जा रहा है भूपेश बघेल सरकार पर। बघेल सरकार के शराब दुकान पुनः खोलने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि 44 दिनों तक छत्तीसगढ़ में शराब दुकानें बंद होने के कारण घरेलू हिंसा में भारी कमी आई थी। शराब का सेवन करने वालों की सेहत में सुधार और शांति का वातावरण निर्मित हुआ था। ऐसे में लॉकडाउन के बाद भी शराब दुकानें बंद रखते हुए छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का भूपेश सरकार को स्वर्णिम अवसर मिला था, किंतु धृतराष्ट्र की भांति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शराब की दो नंबर कमाई के मोह में अंधे हो चुके हैं और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के बहाने शराब की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 2 से 5 लीटर बढ़ा दी है और शराब की होम डिलीवरी शुरू करके न केवल डॉक्टर रमन सिंह के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि अपने आर्थिक मोह के कारण 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की जान भी जोखिम में डाल दी है। दोस्तों, 40 दिनों से ऊपर हमारे प्रदेश में लॉकडाउन रहा, इस दौरान शराब दुकानें बंद रही, घरेलू हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई, जो लोग शराब पीते थे उनकी सेहत में सुधार हुआ और पूरे प्रदेश में शांति का माहौल निर्मित हुआ। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर था। जब इतने लंबे समय तक लोग बिना शराब के जी रहे थे, खुशहाली का माहौल बन रहा था, तो प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू कर देनी थी, ऐसा नहीं किया। स्वयं भूपेश बघेल जी जब वे मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा था, उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि रमन सरकार का शराब बेचने का फैसला गलत है। हम शुरू से कह रहे हैं सरकार का काम शराब बेचना नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोग खासकर महिलाएं शराब बिक्री के खिलाफ हैं। अब शंकराचार्य जी ने भी शराब बिक्री को गलत बताया है। मुख्यमंत्री को कब सद्बुद्धि आएगी? शराब बंदी जनता की मांग है और इसे पूरा करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं, ये भूपेश बघेल जी ने खुद कहा। अब पिछले 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया, आज छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि भूपेश बघेल जी को कब सद्बुद्धि आएगी। उन्होंने तो धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांध रखी है। पुत्र मोह की जगह उनको जो शराब की 2 नंबर की कमाई है उससे मोह हो गया और उसके कारण वो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की जान जोखिम में डालने पर आमादा है। कहत कबीर सुने भाई साधु, ऐसा कलयुग आएगा, जनता मांगेगी खाना और भूपेश बघेल जी दारू बटवाएगा। ये जमाना आ गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।